कॅमेऱ्याचे देखरेख असलीच पाहिजे. अरे स्क्रीन बंद ठेवलेली आहे. काल आम्ही याला मुख्य निवडणूक आयोगाकडे आमची त्याची तक्रार पण आम्ही केली. जिओ अगर ऑफर था तो भी इंटरनेट कनेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन चालू होना चाहिए. कि इसके बावजूद वहाँ जिओ का राउटर भी देखा गया है, उसका भी वीडियो है. स्थान कुठे है? पंचायत, एक पंचायत और एक साउथ. यहाँ जागा को क्या तुमची? ये दक्षिण नागपुर. मध्य नागपुर, दक्षिण नागपुर, प्रश्न विचार. क्या आपको लगता है कि ये गडकरी जी के कहने से हुआ है? हमने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जैसे गडकरी बार बार कह रहे हैं कि मैं 5 लाख से चुन के आऊंगा, ये कौन से आधार पे चुन के आ रहे हैं, वो भी उन लोगों को बताना देना चाहिए. क्योंकि मैं जब ये नामांकन के बाद मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, तो जनता का सैलाब रोड पे आ रहा है, लोग मेरे साथ दे रहे हैं. कई संगठना ने मुझे सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया. ऐसे समय में गडकरी कैसे बोल सकते हैं कि मैं 5 लाख वोट से चुन के आ रहा हूँ? क्या उनके पास ऐसे जादू की कांडी है कि वो ऐसा बोल रहे हैं? आपका कहना है कि ईवीएम हम अभी से हम चुनाव आयोग को इस खबर कर रहे हैं कि लोकतंत्र के आधार पर ये चुनाव हो, लोगों के वोटों को चोरा ना जाए, जिसके बारे में कांग्रेस ने मुख्य निवडणूक आयोग को भी कई बार इस बात को अवगत कराया है. और मुख्य निवडणूक आयोग ने यही कहा है कि वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ नहीं होगा, और हम पूरा ध्यान रखेंगे. तो हम फिर इसमें कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? हमारा यही कहना है. और जो ट्रक है उसमें सिर्फ बीजेपी का पट्टा क्यों लगाया गया है, ये भी हमारी बात है. अब वो योगा हो सकता है कि उन्हीं का ट्रक है कि क्या है, क्योंकि आजकल तो उनके पास तो सभी चीजें हैं. 140 गुना उनका प्रॉपर्टी बढ़ सकता है. वो रिसर्च करने की बात है, 200 करोड़ तो उनका IQ है, उसका भी जांच करना पड़ेगा. पैसा है पूरे कैमरे बंद है. आपको पूरे कैमरे बंद है. मध्य और साउथ दोनों में ये देखो एलईडी. आपको ये सेंट्रल नागपुर का वीडियो एलईडी स्क्रीन पे आपको कौन से कैमरे शुरू है वो अगर पूरा अपने को दिखता है. ये आपको आपने देखा होगा कि इसमें पूरा खाली पड़ा है. क्या वजह बताई थी इसकी? बताई थी. अब वो देखो कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, क्योंकि कांग्रेस के साथ कई पार्टियों ने मुख्य निवडणूक आयोग के बाद कई बार कंप्लेंट किए कि हमें पायलट से वोट चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने यही कहा कि एकदम फेयर ये चुनाव है, हम लोग इसको बदलेंगे. तो हमारी ये कहना है कि ये आप लोग जिस तरह से अभी से अगर आपने बनाए हुए नियमों को तोड़ रहे हो, तो ये कैसे हो? तो आपका सीधा आरोप ऐसा आरोप है कि आपका कि निवडणूक आयोग जो है वो और गडकरी जी की पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी के साठगांठ है. मेरी बात समझ लो, मैंने तुम लोगों ने मेरी जो बार बार कहा कि गडकरी कहते हैं कि 5 लाख से मैं चुन के आऊंगा, तो हमने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के ऊपर लोग सबसे बड़े शक्तिशाली होते हैं, और मैं उनके आशीर्वाद से चुन के आऊंगा. लेकिन गडकरी जी ये कहते हैं कि मैं 5 लाख से चुन के आऊंगा. अब कौन सा रेशो पे बोला है? तुमने लिखा है, तुम्हारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखा है कि गडकरी 5 लाख से चुन के आने वाले. क्यों बोल रहे? कौन से आधार पर बोल रहे हैं? और तुमने क्यों नहीं पूछा उनको? फिर
नहीं तो मतलब आपका यही कहना है ना कि इनकी साठगांठ आपस में हो सकती है, शंका जता रहे हैं। शुरुआत में कहा कि सत्ता का दुरुपयोग बिल्कुल करने जा रहे हैं और उसी आधार पर ये सब चीजें सामने आ रही है। का कंटेंशन ये है कि भाई का एमपी रहे मुक्तमल जी को अगर वो 3 लाख वोट से हरा सकता है तो उनको लगता है कि आप आउटसाइडर हो, आप यहाँ के लिए नए हो, इसलिए गडकरी भी हमने कहा कि गडकरी